हेलो एंड वेलकम बैक। जन्नत के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोग का वेलकम कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मम्मा अभी मिलेंगी आपको। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, मैं तो गोल मटोल सी लग रही हूँ। आज ये वीडियो हमारी प्लान की हुई नहीं है, ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है उस पर हम बना रहे हैं। रोहन मलगोंकर 2087, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग। इन्होंने रिक्वेस्ट करा था हमारे एक ब्लॉग पर, जिसमें मेरा हेयर कट हुआ था, उस वाले ब्लॉग पर इन्हें कमेंट किया था, एक रिक्वेस्ट डाला था, प्लीज़ अपलोड वीडियो ऑफ मॉम लॉन्ग हेयर अनब्रेडिंग डिटेंगलिंग ऑयलिंग हेड मसाज कॉम्बिंग एंड सिंगल स्लीक ब्रेडिंग बाय डॉटर इन दिस सेम जैकेट। ये सेम जैकेट अभी ऐड हुआ है, जब कल वीडियो पड़ा मम्मा का कोर्ट में, ब्लैक एंड वाइट कोर्ट में, तो तब उन्होंने बोला कि प्लीज़ इस सेम जैकेट में अपने मम्मा की जो लंबे बाल है उनकी ब्रेडिंग करते हुए, मतलब गुद की चोटी करते हुए, उन्हें सुलझाते हुए, ऑयलिंग करते हुए, मसाज करते हुए, क्या क्या करते हुए वीडियो डालनी है, वो भी सेम जैकेट में सेम लुक में। तो अभी कमेंट ये 3 दिन से लगातार करते आ रहे हैं, तो अब हमने सोचा फाइनली हम इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और ये वीडियो बनाएं। तो चलिए बना लगता है दें। बालों से बहुत प्यार है उनको। हाँ लगता है इन्हें बालों से बहुत प्यार है। हाँ तो हम हैं रेडी। आज जो जो ने रिक्वेस्ट की है, मेरी बेटी मेरी हेयर मसाज करेगी, बाल निकालेगी, चोटी बनाएगी, खोलेगी वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या उनने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मेरी बेटी आज मेरी चोटी बनाने जा रही है, जिस बेटी ने खुद की चोटी कभी बनाई नहीं है, और आज मेरी चोटी बनेगी, हम भी देखते हैं। चलो ओके, लॉन्ग हेयर अनब्रेडिंग, तो हमारा पहला स्टेप है अनब्रेडिंग करना, मतलब गुद की चोटी को खोलना। खोल चलिए करते हैं, देखना पड़ेगा, बहुत लंबा है, मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगी ताकि पता चले कितनी लॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं लोग। चलिए इसे खोलते हैं, ये हरियाली रबड़ लगाने की क्या जरूरत थी। ओके रोहन, सो हेयर इट इज, आई एम अनब्रेडिंग हर हेयर। अब दोबारा ऐसी कोई फरमाइश मत करना जो मेरे से हो ना। ये तो मैंने कर दी, क्योंकि ये हो सकती है, मुमकिन है। देखिए रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है। हाँ करना, ऐसी करना जो मैं कर सकूँ। ओके, तो आपकी हमने अनब्रेडिंग कर दी है, अब हमें करनी है डिटेंगलिंग, तो हम बाल सुलझाएंगे फिर करेंगे ऑयल ऑयलिंग हेड मसाज। ओके ओके रोहन, बाय द वे यू लाइक अनब्रेडिंग और सच थिंग्स, आई एम जस्ट क्यूरियस। तुम्हें पसंद है रोहन छोटी बनाना खोलना? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ पसंद होगी, तभी तो ये फरमाइश की है। वो भी सेम जैकेट में। बाप रे, बाल खुल जाएंगे मेरे सारे। रोहन, इस लड़की ने खुद अपनी चोटी नहीं कभी बनाई है, खुद कभी बाल नहीं निकाले हैं, और तुमने डिमांड कर दिया कि ये मेरे बाल निकालेगी। आज पता ही नहीं क्या होगा, मेरे बाल दुख रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी रोहन, नहीं सॉरी मम्मा। मजा आया हमें तुम्हारे, मजा आ रहा है तुम्हारी रिक्वेस्ट वीडियो बनाने में। 1 हफ्ते से सुन रही हूँ, एंड मैं आज सोच लिया कि आज रोहन की फरमाइश पूरी की जाएगी। हाँ जी, आप लोगों को भी कोई रिक्वेस्ट वीडियो बनवानी हो तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, अगर बना पाएंगे तो हम बना देंगे। ऐसी रिक्वेस्ट मत डालना जो हम तुम्हें बना दें। ऐसी कोई ना डालना कि शार्क के सिर पे जाके चोटी बनाओ। हाँ, या शेर के मुंह में आ डालो, ऐसी रिक्वेस्ट मत देना भैया। चलिए डिटेंगलिंग हो चुकी है, अब करना है ऑयलिंग एंड हेड मसाज। राइट, लाए ऑयल अभी यहाँ पे मेरे सब कुछ है, ऑयल भी सब कुछ। ओ ये रहा हमारा हेयर ऑयल, कैथराडीन हेयर ऑयल। मम्मा कितना डालना है? हाफ करो। ये रहा, ये इतना ऑयल हम डालने वाले हैं। चलिए करते हैं ऑयलिंग और हेड मसाज।
आप एक काम करिए, इन्हें मैंने सामने कर दिया, मतलब आपको दिखे ऑयलिंग होती हुई, मसाज होती हुई। चलो शुक्र है भगवान का, इसी बहाने से सही हेड मसाज तो बेटी। बाप रे इतना ऑयल डाल दिया मम्मी, बाल चमक रहे हैं। बाल तो चमक रहे, तू नहीं दिख रही मेरे को। नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा ऑयल मसाज हो रहा है कि एक ही जगह पर सारा डाल दिया है। मैं अच्छे से करूंगी। रोहन मेरी ये बेटी ना कुछ नहीं करती है सिवाय अपनी मम्मी को प्यार करने के अलावा। और ये देखो ये वाटर रिलीविंग हैंड मसाज। सो ना जाऊं मैं कहीं। चलो थोड़ा काम तो दिया तुमने, वरना ऐसे काम ये बिल्कुल भी नहीं करती है। आपकी एक हफ्ते से रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो हम लोग हर रोज यही सोच रहे हैं क्या करें, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था, चलो कर लेते हैं भाई। मसाज करो तो सही से करो, सर का दर्द तो बंद हो जाए। हॉस्पिटल से आई हूँ मैं दवाई लेके, हॉस्पिटल गई थी, मेरे पास उसमें टाइम नहीं है। हॉस्पिटल से आके दवाई लेके आके फटाफट चेंज किया, क्योंकि आपकी फरमाइश थी यही कोट चाहिए आपको, तो फिर कोट कपड़े मैंने वही रहने दिए। चेंज किया, चेंज करके बैठ गए। सच में इतनी बिजी थी मैं आज। आज तो माता बहुत बिजी थी, पर हमने टाइम निकाल लिया। कोई टाइम नहीं था, वही हॉस्पिटल भागना था। हॉस्पिटल से दवाई लेके आई और सोचा मैंने कि आज ही करा लूँ। फिर कोई और फरमाइश रोहन ने रख दी तो फिर जिंदगी गुजर जाएगी हमारी रोहन की, तो इसलिए मैंने। अरे बाप रे, इससे आगे भी बाल हैं सन्नी। ओके ओके, पीछे सारे बालों में लगा के कॉम्ब कर। मैं पीछे के सारे बाल को भी मसाज कर रही हूँ। वैसे एक बात बता दूं रोहन, मैं बालों में ऑयल नहीं डालती। ये सिर्फ आप रिक्वेस्ट पे डल रहा है, ये रिक्वेस्ट पे डल रहा है। तभी बाल डाल के ना, बालों में ऑयल डालो ना तो ऐसे बाल हो जाते हैं चंपू से, चिपक जाते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल से आके वीडियो बना रही हूँ, वरना चंपू जैसी हॉस्पिटल जाती हूँ। बहुत डाल दिया यार। वैसे एक बात बताओ रोहन, कमेंट में बताना कि आपको इतना बालों से प्यार है कि दूसरों के बालों को देख के आप अपना दिल खुश करेंगे कि चंपी कैसे होती है, ये कैसे होता है। कोई बात नहीं, ये और नहीं है, जस्ट डिफरेंट है रोहन। आई अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं, इस वाले वीडियो को देखते हैं कौन क्या रिक्वेस्ट करेगा, और फिर रिक्वेस्टेड वीडियो जब डलेगी तो सबके लाइक आनी चाहिए उस पर। अब जो भी वीडियो रिक्वेस्ट करेगा वो वीडियो को शेयर करेगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और सबके लाइक आने चाहिए। हाँ ओके रोहन, भाई नींद आने लगी मेरा मौसम। अब तो निकाल दो बाबू, हो गई अच्छी मसाज, बाल उलझ जाएंगे मेरे, दो चार बाल हैं वो भी टूट जाएंगे। दो चार नहीं है, तुम्हें पता है विदेश के लोग सारे मेरे बालों में पिता है। इंडिया के हम अपने गांव में लंबे बालों के नाम से जाने जाते थे, नाम बहुत कम लोग जानते थे, ये कहते थे वो लंबे बालों वाली लड़की। अब बाल भी इतने नहीं रहे, सारे चढ़ गए। रोहन मैंने बहुत अच्छी मसाज कर दी है। अब मैं आगे तुम्हारा कमेंट पढ़ती हूँ, आगे क्या है कमेंट, इतना बड़ा मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है कि क्या करना है। लॉन्ग हेयर ब्रेडिंग रिटेंगलिंग ऑयलिंग हेड मसाज कॉम्बिंग ओके एंड सिंगल स्लिक ब्रेडिंग ये लो। अब मैं करती हूँ, बाल तोड़ देगी सारे मेरे, मुझे पता है। मैं करती हूँ। अच्छा मम्मी उलझ गए बाल, रोहन इस पर नहीं करा सकती मैं, क्योंकि अगर इस पर कराऊंगी ना तो सच में मैं मरी जाऊंगी दर्द से। मैं कर दिया अपना भाई, संभाल के करना है यार मेरे, खुद के बाल तो कटवा दिए हैं।
और हाँ, मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ, दूसरा ब्लॉग डालूंगी जो बालों का, जो मैंने अपनी बेबी के बाल हेयर कट किए हैं, इसके जो अभी मेरे कर रही है वो डोरेशन के लिए किए हैं, कैंसर मरीजों के लिए। हम जो बालों को कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करने वाले हैं। हाँ, तो वो मैं कैंसर पेशेंट को डोनेट करने वाली हूँ, तो इसीलिए हमने बाल कटवाए हैं, इसीलिए बाल कटवाए हैं इसने, तो मैंने इसीलिए बाल फेंके नहीं है। मेरे पास अभी अवेलेबल हैं बाल रखे हुए हैं, बस थोड़े से बिजी चल रहे थे तो इसलिए हमने अभी वो भेज नहीं पाए। अभी एक दो दिन में जैसे ही मेरे हस्बैंड फ्री नहीं है, क्योंकि कुछ सामान मंगाना है लिफाफे वगैरह, तो वही ला के हमें दे सकता है, तो जब वो फ्री होंगे ना तो मंगा के फिर उसका ब्लॉग डालूंगी मैं, इसके बाल भेजूंगी, कोरियर करेंगे और मैं भी कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं 5-6 महीने के बाद हेयर कट करा के बाल मैं भी अपने डोनेट करूंगी कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारे तो वापस आ जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि मेडिकल इशू की वजह से क्या होता है, कितना गंदा लगता है जब बाल नहीं होते हैं, तो मेरे मेडिकल इशू की वजह से बहुत सारे बाल झड़ गए, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा मोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मेरे भी बाल झड़ गए हैं, वरना मैं पहले इतना मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई बाल करता है, ये मेरे को पता चला है कि बाल नहीं तो मैं हर साल कटवाती हूँ, फेंक देती हूँ, मैं हर साल भेज दिया करती। पिछले साल मैंने अपनी बेटी के काटे थे, बहुत लंबे बाल थे, वो भी फेंक नहीं पड़े। इस साल मुझे उस वीडियो पे पता चला कि बालों को दान किया जाता है, तो मैंने सोचा मैं भी करूँगी, बेटी के भेज दूँ, फिर उसके बाद मैं कटवाऊँगी अपने, मैं भी भेज दूँगी। तो अब हमने इसे डिटेंगल भी कर लिया है, मैंने कर दिया था, अब छोटी बनानी है, अब करनी है सिंगल स्लीट ब्लेडिंग। ओके, अच्छी सी बनाना, मैं बढ़िया बनाऊंगी एकदम, एक नंबर। चलो मैं बाल कर देती हूँ, वो तो मुझे पता है, खुद की तो बनती नहीं है एक नंबर, मैं बनाती हूँ ना, मेरी बनेगी 4 नंबर। चलो चंपू छोड़िए, पीछे बैक करो, गाना नहीं गा दो, रोहित से बोलो कि रोहन रोहित जो भी हैं उनसे, क्योंकि अब उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है, अब ये वीडियो ना वो अपने सारे फ्रेंडों को भेजे। हाँ जी रोहन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये आपके ही नाम पे बने, पूरी वीडियो में सिर्फ रोहन रोहन चला है। खुद की तो बन रही है। मैं बहुत अच्छी छोटी बना रही हूँ। खुद की एक दिन बना के दिखा देती है ना तो अच्छा लगता, बाल कटवा रखते हैं। चलो, मुझे छोटी बनाना पसंद नहीं, इसीलिए मैंने इतने कट मेरे छोटे छोटे से बाल हैं, तो कैमरे में अच्छी नहीं लग रही, वैसे रियल में अच्छी है। कैमरा वही याद है। इतनी अच्छी चोटी, टाइट टाइट क्यों? हाँ चलो चलो चलो, कोई नहीं, ओके ओके, एक तरफ को जा रही है, इधर को, वो मैं इधर हूँ ना, रबर फिर भी नहीं, यहाँ से यहाँ जा, अजीब सी लग रही है। अरे सही में अजीब लग रही है। रबड़ लगा दे, ज्यादा नीचे पर नहीं लगाना। नहीं यहाँ मैं लगाती हूँ उतना, ये हरियाली रबड़, कृपया एक ब्लैक रबड़ ले लेते। अरे घर में क्या लगाने के लिए था तो मैंने लगा ली, बन गई। हाँ बन गई, बस
वी आर ऑल डन। देखो बहुत प्यारी छोटी बनाई है मैंने। आधी बुद्धि आधी में ही हूँ। चलो कुछ भी सही, पहली बार मेरी बेटी ने छोटी बनाई है मेरी। वाओ थैंक्स टू यू रोहन। चलो अभी वीडियो मैंने बना दी है आपकी रिक्वेस्ट पे, तो ये वीडियो सबको शेयर करना, ठीक है? लाइक करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय।